नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SS एनालिसिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस के साथ। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करूंगा, क्योंकि निफ्टी के हर उतार चढ़ाव में बैंक निफ्टी की भी एक अहम भूमिका होती है। निफ्टी के मूवमेंट में अलग अलग टाइम फ्रेम में अब हम एनालिसिस करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये निफ्टी फ्यूचर्स का एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोस्तों, मैं अपने पिछले एनालिसिस में भी बता चुका हूं कि निफ्टी में फ्यूचर्स में किस तरह का मूवमेंट हुआ है एक डेली चार्ट में। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो परसों का जो मूवमेंट था, वहां पे भी एक एग्जॉस्टिव कैंडल एक डेली चार्ट में इन स्तरों से फॉर्म हुआ था। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कल जो मूवमेंट थे उनके चलते भी एक डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी फ्यूचर्स ने एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म कर दिया है। ये एक नेगेटिव सिग्नल है जो कि आगे आने वाले दिनों में एक एग्जॉशन का साइन है, जहां निफ्टी फ्यूचर्स में और निफ्टी में गिरावट देखी जा सकती है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो एग्जॉस्टिव कैंडल है, ये एक आने वाली मंदी को दर्शाता है। आइए इस कंडीशन में देखते हैं कि निफ्टी किन स्तरों तक नीचे जा सकता है, क्योंकि निफ्टी ने कल अपने पिछले दिन के लो को भी तोड़ दिया था और निफ्टी फ्यूचर्स ने इन स्तरों पर बंद किया है। आप यहां देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स ने 12,225 पर बंद किया है और निफ्टी इंडेक्स ने 12,214 के स्तर पर बंद किया है। तो यहां मेरा मानना है कि यदि निफ्टी में ये गिरावट जारी रहती है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक डेली चार्ट में जो एक कैंडल है, ये एक दिन के मूवमेंट को दिखा रहा है। तो मेरा मानना है कि ये जो ट्रेडिंग जोन है, ये आप देख सकते हैं कि 27 तारीख तक के लिए है। और कल जैसा कि 26 नवंबर को निफ्टी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी है, तो कल देखना होगा कि कल निफ्टी फ्यूचर्स में किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि कॉल और पुट दोनों ही साइड पर काफ़ी बड़े ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हैं, तो काफ़ी उथल पुथल जारी रह सकती है। तो देखना होगा कि कल निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी में किस तरह के मूवमेंट्स रहते हैं और निफ्टी किन स्तरों पर बंद होता है, क्या वो 12,000 के लेवल को डिफेंड कर पाता है या नहीं, क्योंकि अभी 12,183 का एक अहम सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए नीचे के डाउनवर्ड मूव में। और यदि ये सपोर्ट टूटता है निफ्टी फ्यूचर्स का, तो देखना होगा कि क्या वो 12,090 के एक अहम सपोर्ट को डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। तो जो कल का जो ट्रेडिंग सत्र है, यानी 26 दिसंबर का, वो एक अहम ट्रेडिंग सत्र होगा, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स की एक्सपायरी भी है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्तर है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए, यानी 11,825 का जो एक सपोर्ट है HMO को क्लाउड्स के ऊपर, ये एक अहम सपोर्ट है, जहाँ कि निफ्टी फ्यूचर्स को नीचे के गिरावट में एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ से निफ्टी फ्यूचर्स में एक वापसी देखी जा सकती है 11,820 से, जहाँ की HMO को क्राउड का अपर एंड है। तो अभी तो देखना होगा कि कल निफ्टी फ्यूचर्स की मूवमेंट्स किस तरह की रहती हैं, इसका विश्लेषण हम अभी करेंगे कॉल पुट एनालिसिस के साथ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि निफ्टी इंडेक्स की क्या पोजीशन है। जहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग जोन है, यहाँ मैंने 24 दिसंबर के लिए अपना एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग जोन पर एक वीडियो दिया था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि यदि इस जोन में एंटर किया निफ्टी ने एक अपवर्ड मूव में, तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। और ठीक वैसे ही हुआ और हम सत्र के अंत तक बार बार इन स्तरों पर सेलिंग होते हुए देखते रहे। यानी इस ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, इसमें ये जो एक डाउनवर्ड ट्रेडिंग जोन है, इसमें जब निफ्टी अंदर आ गया तो यहाँ हमने सेलिंग देखने को मिली। तो आइए मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊंगा। मैंने कल जो एक्सप्लेन किया था वो किस तरह के मूवमेंट्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, कि ये एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म हुआ था के ट्रेडिंग सत्र में जब निफ्टी बंद हो रहा था। सबसे पहले आपको बता दूं कि निफ्टी इंडेक्स का एक घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। जबकि निफ्टी इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि कल जो ओपनिंग हुई वो किस तरह से हुई और एक अपवर्ड मूव लिया था निफ्टी ने, परंतु इन स्तरों पर आप यहां देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक हाई लगाया था 12,283 का, जहाँ से निफ्टी में एक सेलिंग देखी गई और निफ्टी में लगातार ये गिरावट जारी रही पहले ही शुरू के एक घंटे के अंदर अंदर। और उसके बाद आपने देखा कि निफ्टी ने इस डाउनवर्ड ट्रेडिंग जोन में आने के बाद एक लगातार प्रेशर देखा और निफ्टी ने इस तरह को भी छुआ और अंत तक आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी एक दबाव में रहा है निफ्टी। बार बार कुछ अटेम्प्ट हुए थे ऊपर इन स्तरों पर आने के, जैसा कि मैंने अब आपको बताया था कि 12,236 का एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ निफ्टी के लिए एक आवर्ली टाइम फ्रेम में।
और ठीक वैसा ही हुआ कि इस स्तर पर आकर निफ्टी में एक बाउंस बैक हुए दो बार। आप यहां देख सकते हैं 1:30 बजे भी एक निफ्टी ने यहां एक अपवर्ड मूव दिया था। यहां एक काफ़ी स्ट्रगल निफ्टी को करना पड़ा 12,258 के स्तर को डिफेंड करने के लिए, परंतु यहां इन स्तर को नहीं तोड़ पाया निफ्टी। और अंत में आप देख सकते हैं कि यहां तकरीबन 1:30 बजे निफ्टी में एक एग्जॉशन देखा गया। पहला एग्जॉशन यहाँ देखा गया जो एक घंटे के चार्ट में ये जो एग्जॉस्टिव कैंडल बना है ये 12:30 बजे बना है, और फिर से अटेम्प्ट हुआ ऊपर जाने का, परंतु यहाँ से निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। 12,257 के स्तर से फिर से सेलिंग हुई और यहाँ फिर से एक दूसरा एग्जॉस्टिव कैंडल बना एक घंटे के टाइम फ्रेम में, और फिर यहाँ हमने सेलिंग होते हुए देखी। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2:30 से ये लगातार सेलिंग निफ्टी में जारी रही, जब हमने बंद होने तक निफ्टी को काफ़ी नीचे तक आते हुए देखा, यानी 12,202 का लो लगाया था कल निफ्टी ने, और अंत में 12,214 पर निफ्टी बंद हुआ है। अभी मेरा मानना है कि एक बड़े ही नाजुक मोड़ पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, क्योंकि 12,211 पर ही सपोर्ट है जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने बताया था कि यहाँ से निफ्टी में कुछ बाउंस बैक देखा जा सकता है। परंतु जैसा कि 26 तारीख को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है और दूसरा आज छुट्टी है हमारे भारतीय बाजारों की और अमेरिकन बाजारों के भी, जहाँ निफ्टी ने बंद होने से पहले इन स्तरों तक नीचे आया था, यानी 12,202 के स्तर तक नीचे एक मूव दिया था निफ्टी इंडेक्स ने, और परंतु यहाँ से आखिरी समय में कुछ शॉर्ट कवरिंग देखी गई जिसके चलते निफ्टी इंडेक्स 12,214 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। परंतु आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ बंद तो हुआ है परंतु यहाँ भी काफ़ी वीकनेस है, जिसके चलते मेरा मानना है कि निफ्टी इंडेक्स में अब देखना होगा कि कल यानी 26 दिसंबर को ओपनिंग किस तरह से होती है। तो आइए पहले मैं इसको जूम आउट करता हूँ। तो ये मेरा 26 दिसंबर के लिए एक एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग जोन है निफ्टी इंडेक्स के लिए। जैसा कि निफ्टी आप जानते हैं कि निफ्टी इंडेक्स इन स्तर पर बंद हुए यानी 12,214 पर, तो अब देखना होगा कि क्या निफ्टी इंडेक्स इस तरह के ऊपर खोते हैं या एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग होती है। तो ये डिपेंड करेगा कि अभी जो डेवलपमेंट्स हैं अमेरिका और चाइना में वो किस तरह की हैं, जबकि चाइना और यूएस में एक इस बात पर दोनों ही देश राजी हो चुके हैं कि वो टैरिफ ट्रेड डील का फेस वन साइन कर सकते हैं जल्द ही, परंतु अभी भी काफ़ी बातों को लेकर संशय बाकी है, जिसके चलते अमेरिका में जो इक्विटी इंडेसेस हैं वो अपने उच्चतम स्तर को मेंटेन नहीं कर पाए और वो गिरावट के साथ बंद हुए, अपने उच्चतम स्तरों से नीचे आ गए। और वहीं दूसरी ओर जो सोने के फ्यूचर्स हैं वो $1,500 के ऊपर चले गए एकदम से, $10-12 का एक अच्छा उछाल। ये दर्शाता है कि अभी भी इक्विटी मार्केट्स में एक अस्थिरता बनी हुई है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है वहाँ टैरिफ ट्रेड वार पर बढ़ती हुई चिंताओं को लेकर और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंताओं को लेकर काफ़ी एक बेयरिश प्रेशर बना हुआ है, सेंटीमेंट्स अभी भी बेयरिश हैं। तो जिसके चलते में मुझे लगता है कि भारतीय मार्केटों में भी हम इस बेयरिश इंपैक्ट को देख सकेंगे 26 तारीख को, जबकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी फ्यूचर्स ने इस तरह के नीचे ओपनिंग दी जहाँ वो कल बंद हुआ था यानी 12,214 पर बंद हुआ था और 12,202 का लो लगाया था निफ्टी इंडेक्स ने, यानी 12,200 के नीचे यदि निफ्टी की ओपनिंग होती है, तो यहाँ मेरा मानना है कि जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 12,187 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए, परंतु यदि ओपनिंग ही इसके नीचे हुई तो क्या होगा। तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग 12,187 के नीचे होती है तो हमें निफ्टी में ये गिरावट और तेज होती हुई दिख सकती है, जहाँ की मुझे लगता है कि यदि निफ्टी ने फिर से इसी स्लाइडिंग मूव में, जैसा कि कल एंटर कर चुका है ऑलरेडी निफ्टी इस डाउनवर्ड ट्रेडिंग जोन में, इसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, जबकि निफ्टी ने 12,202 का लो लगाया था और 12,214 पर बंद हुआ है, और मेरा मानना है कि निफ्टी की ओपनिंग यदि इसी डाउनवर्ड ट्रेडिंग जोन में 26 तारीख को हुई यानी 26 सितंबर को हुई, तो मेरा मानना है कि ये गिरावट कहीं और अधिक हो सकती है। और यदि ऊपर भी निफ्टी की ओपनिंग होती है 26 दिसंबर को यानी 12,200 के ऊपर यदि निफ्टी खुलता भी है, तो मेरा मानना है कि इन स्तरों से, यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि जिन स्तरों पर निफ्टी बंद हुआ है ये अब एक स्टिफ रेजिस्टेंस का एक काम करेंगे। आइए मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊंगा पूरे पोजिशन को कि कल मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कल जो निफ्टी है इंडेक्स वो यहाँ बंद हुआ है 12,214 के स्तर पर,
और परंतु यहाँ इन स्तरों तक वो नीचे आया था 12,202 के स्तर पर, यदि निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग 12,200 के नीचे होती है तो 12,187 पर एक अच्छा सपोर्ट लेवल है यहाँ निफ्टी इंडेक्स के लिए। परंतु ऊपर वहीं जहाँ निफ्टी क्लोज हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था निफ्टी के लिए कल तक, परंतु आज मेरा मानना है कि यदि निफ्टी की ओपनिंग इसके नीचे रही और निफ्टी के लिए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल, यानी 12,212 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बन सकता है निफ्टी के लिए, जहाँ कि निफ्टी को बार बार इन लेवल्स पर एक स्ट्रगल करनी पड़े तो। और यदि वहीं दूसरी ओर यदि निफ्टी ने ओपनिंग के समय ही 12,187 के नीचे यदि ओपनिंग हुई, तो फिर 12,187 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मुझे मेरा मानना है कि फिर निफ्टी में यहाँ से सेल ऑफ देखा जाए कंटिन्यू रहता हुआ, तो उस स्थिति में निफ्टी का जो अगला जो अहम सपोर्ट लेवल है वो 12,157 का है, जहाँ से निफ्टी में एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। परंतु यदि इस स्तर को भी निफ्टी ने तोड़ा तो ये गिरावट कहीं और अधिक हो सकती है, और यहाँ जाकर इन स्तरों पर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है, यानी इस डाउनवर्ड ट्रेडिंग जोन के अपर एंड पर या निफ्टी को हो सकता है बार बार एक बाउंसिंग मूव मिले, यानी 12,121 के स्तर तक यहाँ निफ्टी में एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। परंतु यदि निफ्टी ने इस डाउनवर्ड मूव में अगर एंटर कर लिया इस ट्रेडिंग जोन में 26 दिसंबर को, तो मेरा मानना है कि गिरावट में निफ्टी इस स्तर तक नीचे आ सकता है, यानी 12,040 के स्तर को भी छू सकता है निफ्टी, इसमें कोई शक नहीं 26 दिसंबर को, क्योंकि यदि इन्हीं मूवमेंट्स को हम कल के मूवमेंट्स के साथ कंपेयर करें तो निफ्टी ने ओपनिंग अच्छी दी थी कल भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि इस ग्रीन जोन में अगर निफ्टी ने गया भी ओपनिंग के बाद, तो यहाँ इन स्तरों से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, और ठीक वैसा ही हुआ, निफ्टी ने इन स्तरों से सेलिंग देखने को मिली निफ्टी में, और निफ्टी ने इस डाउनवर्ड ट्रेडिंग जोन के अंदर एंटर कर लिया, और उसके बाद तो निफ्टी में काफ़ी स्ट्रगल रहा, परंतु अंत में हमने सेल ऑफ ही देखा निफ्टी में बंद होने से पहले, और यहाँ निफ्टी ने आप यहाँ देख सकते हैं 12,202 के नीचे तक एक लो लगाया था, क्योंकि जैसा आपको पता है कि मैंने कहा था कि यदि निफ्टी ने अपना शुक्रवार का जो लो और हाई को तोड़ा तो क्या होगा, ये और देखना होगा कि क्या वो अपने हाई से ऊपर मेंटेन करता है या नहीं, या वहीं पर उसको रेजिस्टेंस मिलता है, तो ठीक वैसा ही हुआ, फिर इन्हीं स्तरों से निफ्टी को एक यहाँ से एक टफ रेजिस्टेंस मिला निफ्टी को कल। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 24 दिसंबर के ट्रेडिंग सत्र की, जहाँ निफ्टी को इन स्तरों पर बार बार एक टफ रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पर आपने देखा उसके बाद निफ्टी पूरी तरह से एक बेरिश फैसले में आ गया, जहाँ निफ्टी ने अभी यहाँ सपोर्ट तो ली इन स्तरों पर, जहाँ मैंने बताई थी कि 12,252 पर एक अच्छी सपोर्ट थी, और परंतु नीचे आने के बाद निफ्टी को यही सपोर्ट पर एक टफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई, और बार बार निफ्टी में सेल ऑफ देखा गया, हमने इस स्तर के नीचे आप यहाँ देख रहे हैं कि बार बार सेल ऑफ देखा, और अंत में बंद होते हुए निफ्टी में एक भारी गिरावट यहाँ देखी गई, जहाँ निफ्टी ने 12,202 का एक लो लगाया था। तो वो ठीक वैसा ही ये मूवमेंट्स कल भी रिपीट हो सकते हैं, कि निफ्टी हो सकता है कि इस स्तर जहाँ ये बंद हुआ है इसके ऊपर थोड़ा सा खुले, यानी इन स्तरों पर भी खुल सकता है 12,220 के आसपास, परंतु यदि निफ्टी ने इसके नीचे यानी 12,202 के नीचे यदि ओपनिंग ली, यानी ओपनिंग सेशन में 12,202 के नीचे हुई, तो मेरा मानना कि 12,187 का एक अहम सपोर्ट निफ्टी को एक सहारा दे सकता है, परंतु यदि ओपनिंग ही इसके नीचे हुई तो फिर क्या होगा, तो फिर होगी निफ्टी में एक तेज गिरावट, जहाँ कि निफ्टी को पहला एम सपोर्ट मिलेगा इन स्तरों पर, यानी ये जो मैंने सपोर्टिंग लेवल बनाए हैं 12,156 पर, गिरावट में इस पहली इमीडिएट सपोर्ट को नहीं बचा पाता, तो फिर निफ्टी में अगला सपोर्ट इस डाउनवर्ड ट्रेडिंग जोन के अपर एंड पर है, यानी इन स्तरों पर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है, परंतु इस देखना होगा कि यदि इस गिरावट में कल यानी 26 दिसंबर को निफ्टी ने इस डाउनवर्ड ट्रेडिंग चैनल के अंदर एंटर कर लिया, तो ये गिरावट कल की तरह ही यानी 24 दिसंबर की तरह और तेज हो सकती है, जहाँ कि निफ्टी को 12,000 के लेवल को भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल्स आप जानते हैं कि काफ़ी नेगेटिव हैं भारत के भी, जैसा कि अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में मूडीज ने भी भारत की जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल से घटाकर नेगेटिव कर दिया था, और वहीं जीडीपी का जो आंकड़ा है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आंकड़ा है भारत का काफ़ी नीचे है, जिसके चलते निफ्टी में हमें काफ़ी एक मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है।
तो आइए अब चलते हैं निफ्टी के कॉल पुट एनालिसिस पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 12,214 पर हुई है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो 26 दिसंबर 2019 को एक्सपायर हो रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स के, तो आप यहाँ देख सकते हैं 12,214 का मतलब है 12,200 और 12,250 के स्ट्राइक प्राइस के बीच में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि हम पुट्स की साइड, आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि 12,200 के स्ट्राइक प्राइस पर यदि हम पुट्स के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पुट्स में 6,61,000 पुट्स की अनवाइंडिंग है दोस्तों, और ओपन इंटरेस्ट 28,33,000 ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी बड़ा है और पुट्स में अनवाइंडिंग भी काफ़ी बड़ी है 12,200 के स्तर पर, जो कि पूरी तरह से कंफर्म करती है कि यहाँ से 12,200 का स्तर एक कि जो सपोर्ट थी ये पूरी तरह से टूट चुकी है और उससे नीचे यदि चल रहे हैं तो 12,150 के स्ट्राइक प्राइस पर आप यहाँ देख सकते हैं कि 1,91,000 नए पुट्स की एडिंग है और ओपन इंटरेस्ट है 13,85,000, तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है और परंतु जो नए पुट्स की एडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। और यदि उसके नीचे जाएं तो 12,100 के स्तर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 5,08,000 पुट्स की अनवाइंडिंग है और ओपन इंटरेस्ट है 20,15,000, जो कि पूरी तरह से दिखाता है कि ये लेवल भी एक सपोर्ट कर काम नहीं कर रहा, यानी 12,150 का सपोर्ट यदि टूटा निफ्टी फ्यूचर्स का तो यहाँ 12,100 का भी कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ 5,00,000 पुट्स की अनवाइंडिंग है परंतु ओपन इंटरेस्ट अभी भी थोड़ा बड़ा है 20,00,000 का है और उससे नीचे तो आप देख सकते हैं कि पूरा अनवाइंडिंग से ही भरा पड़ा है, काफ़ी नीचे के लेवल तक यानी 11,800 के लेवल पर भी जाकर पुट्स में अनवाइंडिंग है और यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में, यहाँ आप देख सकते हैं 11,800 के स्तर पर तो 7,65,000 पुट्स की अनवाइंडिंग और ओपन इंटरेस्ट 23,99,000। तो मेरा मानना है कि यदि ये गिरावट अगर अधिक तेज हो गई तो इस हफ्ते में, यानी ये जो हफ्ता चल रहा है दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता है, इसमें हमें एक तेज गिरावट निफ्टी फ्यूचर्स में देखने को मिल सकती है, जहाँ की निफ्टी को 11,800 के लेवल को भी डिफेंड करना मुश्किल मुझे लग रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कल जो एक्सपायर होने वाली जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है उसमें कहाँ तक की जो पुट्स में अनवाइंडिंग है, और वहीं ऊपर चलें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 12,250 के स्ट्राइक प्राइस पर भी 2,72,000 पुट्स की अनवाइंडिंग है, और कॉल्स की साइड चलें तो आप देख सकते हैं कि 12,250 के स्ट्राइक प्राइस पर 12,27,000 नए कॉल्स की एडिंग है और ओपन इंटरेस्ट 22,80,000 और 12,300 के स्ट्राइक प्राइस पर 5,22,000 नए कॉल्स की एडिंग है और ओपन इंटरेस्ट 34,11,000 और 12,350 के स्ट्राइक प्राइस पर 2,48,000 नए कॉल्स की एडिंग है और ओपन इंटरेस्ट 15,38,000 और आप उससे ऊपर यदि चलें तो 12,400 के स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ अनवाइंडिंग है कॉल्स में, तो यहाँ तक ही बात करना उचित होगा क्योंकि 12,250 के ऊपर भी एक तगड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए अभी भी बना हुआ है और ऊपर यदि चलते जाएं तो 12,300 के स्ट्राइक प्राइस पर ये काफ़ी अच्छी मात्रा में कॉल्स की एडिंग है और ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी बड़ा है 34,11,000 का, और उससे नीचे जाते हैं तो 12,200 के स्ट्राइक प्राइस पर आप यहाँ देख सकते हैं कि 3,80,000 के आसपास तकरीबन कॉल्स की एडिंग है और ओपन इंटरेस्ट 17,32,000 काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि 12,200 का स्ट्राइक प्राइस ही एक काफ़ी टफ रेजिस्टेंस ही ना बन जाए कल निफ्टी के लिए, यदि 12,200 के नीचे यदि ओपनिंग हुई, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 12,187 का एक अहम सपोर्ट है, परंतु यदि उसी के नीचे ओपनिंग हुई निफ्टी फ्यूचर्स की तो फिर देखना होगा कि क्या निफ्टी 12,200 के लेवल को डिफेंड करता है या नहीं, या 12,150 के लेवल को भी डिफेंड कर पाता है या नहीं निफ्टी फ्यूचर्स। तो कल का जो मूवमेंट है वो काफ़ी एक एंग्जाइटी भरा होगा, यहाँ निफ्टी में काफ़ी एक उथल पुथल हो सकती है, तो दोस्तों आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए ऐसे में। तो आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर। यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का एक डेली चार्ट। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी को बारीक जानकारी को समझना ही बहुत ज़रूरी मैं मानता हूँ कि आपको, अगर आप चाहते हैं इसको अच्छे से समझना तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी कल स्ट्रगल किया, और यहाँ ये एक डेली चार्ट है और ये एक कैंडल जो है एक दिन की मूवमेंट को दिखाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 23 तारीख को जब बैंक निफ्टी ने इस स्तर को छुआ था, यानी 32,497 का जो एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से बैंक निफ्टी ने एक सेलिंग देखी गई
जहां से बैंक निफ्टी काफी नीचे तक आया था, आइए मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको इस पोर्शन को, तभी आप समझ सकेंगे। आप यहां देख सकते हैं कि 23 तारीख को बैंक निफ्टी ने इन सबों को छुआ था, जो ये मैंने रेजिस्टेंस लेवल बनाया है एक डेली चार्ट का। यहां पर एक टफ रेजिस्टेंस है 32,497 का, जहां बैंक निफ्टी ने यहां आने के बाद एक काफी एक तगड़ा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिल रहा, जहां से बैंक निफ्टी सेल ऑफ देखा गया और नीचे बैंक निफ्टी उस दिन यानी 23 दिसंबर को इन स्तरों तक नीचे आया था यानी 32,205 तक, परंतु यहां बंद हुआ था। और कल भी बैंक निफ्टी में काफी एक मंदी का दौर देखा गया, जहां बैंक निफ्टी ने काफी बेयरिश प्रेशर झेला और अंत में बैंक निफ्टी 32,280 के स्तर पर बंद हुआ, तकरीबन 58 अंकों की गिरावट के साथ। ये गिरावट ज्यादा नहीं थी, परंतु ये बेयरिश प्रेशर आप देख रहे हैं इस एग्जॉशन के बाद इस शूटिंग स्टार का डेवलप होना एक डेली चार्ट में एक काफी मंदी का सूचक है। जहां की मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने इस डाउनवर्ड चैनल में ये जो मैंने बनाया आप देख रहे हैं, यदि इसमें इस लाइन के नीचे यदि तोड़ा बैंक निफ्टी ने 26 दिसंबर को यानी 32,090 के नीचे यदि बैंक निफ्टी ने एक कदम लिया, तो यहाँ जो अहम सपोर्ट है वो 31,992 का है। और यदि बैंक निफ्टी ने इस स्तर को तोड़ दिया, यदि इस स्तर को बैंक निफ्टी नहीं बचा पाता, जैसा कि यहाँ काफी बैंक निफ्टी ने इन स्तरों पर काफी अच्छा बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला है, यहाँ आप देख सकते हैं कि दो बार, और बैंक निफ्टी जब भी यहाँ आया तो इन स्तरों से हमने बाइंग देखी यानी 32,024 के आसपास यहाँ निफ्टी में बाइंग देखी गई। और जब बैंक निफ्टी इस अहम सपोर्ट के नीचे आ जाता है तो यही बैंक निफ्टी के लिए एक टफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो भी सपोर्ट लेवल्स होते हैं, यदि वो इंडेक्स या कोई चार्ट प्राइसेस उस अपनी सपोर्ट लेवल के नीचे आ जाता है, तो वही सपोर्ट लेवल हमेशा एक टफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और ठीक आप यहाँ देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल जो है एक काफी टफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पिछले कई ट्रेडिंग सत्रों में, परंतु जब इसको तोड़ा बैंक निफ्टी ने 13 दिसंबर को, जब बैंक के लेंडिंग रूल्स में एक बदलाव किया गया था, उन्हें आसान बनाया गया था 11 दिसंबर को, तो जब बैंक निफ्टी में यहां से हमने एक बढ़त का दौर देखा, जहां की बैंक निफ्टी ने पहली बार 13 दिसंबर को इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा था, उसके बाद इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो कि 31,992 पर है उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन तो कर रहा है, परंतु बैंक निफ्टी में इन स्तरों से बार बार सेल ऑफ देखा जा रहा है। तो मेरा मानना है कि कल की गिरावट में या कल के मूवमेंट में बैंक निफ्टी ऊपर के मूव में इस स्तर के ऊपर सस्टेन कर पाएगा, जहां वो कल बंद हुआ है यानी 32,280 के ऊपर, क्या वो सस्टेन करेगा या फिर से हमें इन स्तरों से यानी 32,393 के स्तर से फिर से सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और यदि ऐसा हुआ तो क्या बैंक निफ्टी इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को यानी 31,992 की सपोर्ट को डिफेंड कर पाएगा या नहीं, ये एक अहम क्वेश्चन है। जहां मैं कहूँगा कि ये जो सेलिंग प्रेशर है ये क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि जो लेंडिंग रूल्स में बदलाव किया गया है जिसके चलते लोन डिसबर्समेंट को आसान बनाया गया है, तो मेरा मानना है कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये प्रक्रिया गलत एक बैंकों के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ाने वाली है, कि ये बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को और नहीं बढ़ाएगी? तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि बैंकों के लेंडिंग रूल आसान करना तो सही है, परंतु आप क्या उन फ्रॉड्स को बचा सकते हैं जो कि लोग बैंकों का पैसा लेकर भाग जाते हैं या जो बैंकों का पैसा वापस नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे लोन लेने वालों की संख्या नहीं बढ़ेगी? तो ये जो बैंकों के लेंडिंग रूल्स को चेंज करना है ये एक नेगेटिव भी साबित हो सकता है बैंकों के लिए, जिसके चलते बैंकिंग शेयर्स में इतना एक रुझान नहीं देखा जा रहा जितनी तेजी देखी जानी चाहिए थी। वो एक मोमेंटम तो आया तेजी का, परंतु यहाँ से हमने इन स्तरों से के ऊपर जाते ही यानी 32,280 के ऊपर जाते ही बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में भी अभी जो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो देखना होगा कि क्या बैंक निफ्टी 32,110 की सपोर्ट को बचा पाते हैं या नहीं। उसके बाद जो अहम सपोर्ट लेवल है वो 31,992 का है, यदि बैंक निफ्टी ने इसके नीचे एक सस्टेनेबल मूव दिया तो मेरा मानना है कि ये गिरावट बैंक निफ्टी में काफी अधिक तेज हो सकती है। तो दोस्तों आपको तैयार रहना चाहिए कि बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ सपोर्ट लेवल है, जो कि नीचे की गिरावट में जो अगला सपोर्ट है वो 31,487 का है एक डेली टाइम फ्रेम में, यदि इसको भी सस्टेन नहीं कर पाया तो ये गार्ड कहीं और अधिक तेज हो सकती है, परंतु इन सबों से बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक भी मिल सकता है एक तेज गिरावट में। तो ये मेरा मानना है कि ये जो हफ्ता है इसके समाप्त होने तक बैंक निफ्टी में
एक काफी बेयरिश सेंटीमेंट्स की अधिकता रह सकती है, जबकि इन स्तरों पर यानी 31,487 के स्तर पर एक एम सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिल सकता है, परंतु इस सपोर्ट के टूटते ही बैंक निफ्टी को अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो 30,982 का है इन स्तरों पर। तो दोस्तों, मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।